सीतापुर में 23 फरवरी को चौथे चरण के तहत मतदान सम्पन्न हो चुका है और ई वी एम मशीनें सीतापुर की ए में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखी हुई हैं मतगणना 10 मार्च को है अमूमन आमतौर से देखने में आता है कि मतदान के अगले दिन जो प्रत्याशी होते हैं उनकी दिनचर्या बदल जाती है कुछ लोग अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं तो कुछ लोग अपने आवास पर ही कार्यकर्ताओं के साथ गुड़ा लगाने में व्यस्त रहते हैं लेकिन बिस्वा विधानसभा सीट के जो सपा प्रत्याशी हैं अफजाल कौसर वो आज ए में मौजूद हैं शायद सुबह से ए yes. टी में मौजूद हैं तो क्या कारण है कि आप आज सुबह से ए में मौजूद हैं सुबह अपने लोगों से हम मिल करके कार्यालय पे आए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि सभी लोग अपने जहाँ पर हमारी मशीनें रखी हुई हैं वी वी रखी हुई हैं वहाँ पर हमको पहुँचना है और 24 घंटे हमको जो है वहाँ पर ड्यूटी लगानी है अब क्योंकि हम प्रत्याशी हैं अगर हम नहीं बैठेंगे यहाँ या हमारे विधानसभा अध्यक्ष नहीं बैठेंगे संगठन के लोग नहीं बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा हम लोग तो बैठे हैं और तो क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर सी आई एस एफ के जवान भी तैनात हैं सिविल पुलिस भी है दोहरा सुरक्षा घेरा यहाँ पर है तो क्या मतलब आपको क्या कुछ अंदेशा है कि सुरक्षा व्यवस्था में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है उन्होंने कुछ सोचा तो होगा क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कहा है तो कुछ सोच के कहा है और जैसे कि लोगों कहते हैं हम तो क्षेत्र में बराबर लगे रहे हैं आप सबने भी देखा है तो घर घर डोर टू डोर कंप्लेन की उसमें भी हमारे से महिलाएं बराबर कहती थी कि हम वाट तो तुमका ही दिए रहन लेकिन वो चला फूलूंगा तो ये शंका है लोगों में इस बार भी हमको कई लोगों ने फ़ोन किया कि भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश हमने कहा मुझे मिला है तो अब आज भी लोग बहुत आतुर थे आने के लिए मैंने मना किया हमको धीरे धीरे ड्यूटी लगेगी लोगों को शंका है कि कहीं मशीनें ना बदल दी जाएँ या कहीं कोई गड़बड़ ऐसा ना हो जाए ये पूरे से वो है सब कहा है तो मानी क्योंकि मानी जी का आदेश है वो मेरे लिए सारा कोप है इसलिए मैं यहाँ सबसे सुबह मिल करके फिर यहाँ आ गया हूँ दस मार्च को मतगणना होगी आज चौबीस तारीख है अभी लगभग तेरह चौदह दिन है तो इन तेरह चौदह दिनों तक आप यहाँ मौजूद रहेंगे या कैसे क्या आपने बनाया है रणनीति की ई की निगरानी कैसे करेंगे क्योंकि हम पीछे भी हम लोग देख रहे हैं आगे भी देख रहे हैं इसके पीछे जो फ्रंट है सॉरी ये फ्रंट है ये अपोजिट में वहाँ भी हमारे लोग हैं और जा रहे हैं आ रहे हैं बराबर देख रहे हैं यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं अभी कहा था उन्होंने कि रात में हम कुछ टूट गए थे कैमरे वो सॉरी वो स्क्रीन बोला कि हम आएंगे ना कैमरे लगा देंगे तो यहाँ से हम लोग स्क्रीन पे भी देखेंगे बैठ करके और हमारे लोग पूरे चक्कर लगाते हैं रहते हैं पीछे के हम लोगों को जो निर्देश है उनका हम पालन कर रहे हैं कि मतलब दस मार्च तक रात में भी आप बिल्कुल नौ मार्च तक दस मार्च तक गिनती करा के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के यहीं गुलाल खेल के इन शब हम लोग जाएंगे दस मार्च तक आपका डेरा यहीं पर नहीं, दस मार्च तक डेरा रहेगा और क्योंकि बड़ा जोश है उत्साह है लोगों में और पेंशन बहाली हुई है राजस्थान में आज महाराष्ट्र में भी हो गई तीन बचे हैं आप ये जानिए कि उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो होना है जनता बिल्कुल आतुर है सब जब विश्वास है आप अपनी जीत को लेकर तो पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं हम थोड़ी सी बात सीतापुर की और यूपी कर लेते हैं क्या आपको लगता है इस बार नौ में नौ सीटें समाजवादी पार्टी सितम्बर में जीतेगी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में मानी जी ने कह दिया है सब 350 के पार है आप देखिएगा ऐतिहासिक रिजल्ट होगा आप जन ये चुनाव अरे प्रधानी से ज़्यादा चुनाव हुआ है हमारी विधानसभा में पूरी पूरी राहत लोग जगे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग हमने देखा बताया लोगों ने कि वो शराब लिए गाड़ी में घूम रहे हैं पैसा लिए घूम रहे हैं हमारे लोगों ने पूरी निगरानी की है और लोगों ने उनके पैसे भी लिए हैं और शराब भी उनसे लिए है लेकिन बटन उन्होंने साइकिल का दबाया है आप देखिएगा दस मार्च को रिजल्ट आएंगे ऐतिहासिक रिजल्ट होगा पूरे उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक होगा जनता जान रही है कि अखिलेश यादव जी विकल्प हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो भी ये मानना है कह रहे हैं कि बाबा ने सब बिगाड़ दिया है खेत चर गए लोगों के किसान रो रहा है आप जाइए बात करिए किसानों से जनता से गरीब और गरीब हो गया है क्या हाल है व्यापारियों का क्या हाल है किसानों का फसलें लूट ली हैं लोगों ने बिचौलियों ने किसी के पास आप गांव में जाइए आपके आंसू आ जाएंगे वही बच्चे जो स्कूल में बेचारे ड्रेस उनकी फटी पुरानी वही बेचारे दिन में पहने हुए रात में पहने हुए पूछो कोई कपड़ा और है तो रोने लगते हैं उनके परिवार वाले कहते हैं यही है भैया खाने के लाले हैं यार बहुत इतनी स्थिति खराब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी आप खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं आप समझ रहे हैं कि क्या है स्थिति और हम जान रहे हैं कि सब लोग यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने जी बिल्कुल तो ये थे विश्वा के सपा प्रत्याशी अब्जाल कौसर इस बार दूसरी बार चुनावी रण में हैं और अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त तो हैं ही सीतापुर की नौ की नौ सीटें सपा में जाने का दावा भी है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बनने का भी इनका दावा है और इन्होंने ये भी बताया है कि दस मार्च तक यानी कि नौ मार्च तक दस मार्च को तो यहाँ मतगणना शुरू ही हो जाएगी नौ मार्च तक ये ई की लगातार निगरानी बनाए रखेंगे कैमरा पर्सन विपिन राजवंशी और बिभी शुक्ला के साथ मैं उदय चौहान सीतापुर इंडिया